अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज हम बीच पे आए हैं। यस, हम बीच पे ही आए हैं दोस्तों। अ वेरी नाइस लोकेशन इंडीड। वी आर इन नालासोपारा वेस्ट एट कलम बीच और हम आज एक गोट फार्म विजिट करेंगे जो बिल्कुल बीच को लग के ही है। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। पहले सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को आपका नाम और आपके फार्म का नाम बताइए। मेरा नाम है दुर्गेश मेहर और मैं कलम में रहता हूँ, जो नालासोपारा वेस्ट में है। ये कलम बीच बहुत फेमस बीच है और एक शौक के कारण मैंने एक गोट फार्म चालू किया है। जी, सो ये फार्म कब से चला रहे सर आप? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ये बीच की भी खासियत है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बीच है मुंबई के करीब में, मैं बताऊँ आप लोगों को। और इनका फार्म विजिट करेंगे हम लोग आज। आप क्या ब्रीडिंग सेटअप रखे हो, क्या बकरे बड़े करके बेचते हैं? बकरे बड़े किए हैं और ब्रीडिंग सेटअप भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो आइए चलते हैं और आपके फार्म पे जाते हैं। आपका फार्म कलम बीच से कितना दूर है? कलम बीच से 2 मिनट खाली। 2 मिनट का रास्ता है। और जो रास्ते में जो खेती हो रही है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगा वो लोगों को दिखाऊँ चलते चलते इंशाल्लाह बाइक से। आइए एक वॉक करते हैं। सो 2 साल हो गए अपने फार्म को, है ना? 3 साल हो गए लगभग। सो कौन सी ब्रीड में ज़्यादा ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है अपना? मेरा अभी पतिरा में चल रहा है और बकरे हैं मेरे बड़े, वो सोजत में। सोजत में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक बकरा दिखाएंगे लोगों को। सेलिंग करते हैं आप अभी? हाँ, अभी सेलिंग करेंगे। ठीक है, आइए सर। सो दोस्तों, ये है कलम बीच, माशाल्लाह रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप आएंगे फार्म पर तो आपको काफ़ी घूमने की जगह है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ आइए, इन्जॉय कीजिए कलम बीच पर एट रॉयल कलम गोट फार्म। दोस्तों बीच के बाद में जो आपके भाई का गांव का जो रास्ता है वो आप देख सकते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल जगहों पर किस तरीके से खेती हो रही है। क्या क्या भाजी उगती है सर यहाँ पर? ये बथुआ है अभी, चवली भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, मतलब सब ग्रीन उगता है यहाँ पर। और ये साल भर उगता है कि पूरे साल भर खेती चालू रहती है? पानी की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर? पानी बहुत है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बथुआ है ना, ये आगे चल के लाल हो जाएगा। लाल हो गया मतलब ये खाने लायक हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये अरवी की भाजी जो बोलते हैं हम लोग, और उसके अलावा गोभी भी उग रहा है, कैबेज। ये भी हम लोग गोट फार्म पे पहुंच चुके हैं। सो आइए एंट्री करते हैं अंदर गोट फार्म पे। सो माशाल्लाह एंट्री कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। सो हाइट पे बनाया आपने ना? पूरा हाइट पे, ताकि जो भी टॉयलेट वगैरह नीचे आ जाएगी। तो ऊपर जो है बकरी बच्चे दोनों है? हाँ, अलग अलग सेक्शन में। अच्छा, और जो पालने वाले बकरे, इसके बकरे भी देख पा रहा हूँ एक केबिन में। तो हम लोग इसको सेग्रीगेट कर लेंगे 2 अलग अलग वीडियोस में, ताकि लोगों को पता चल जाए क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। ये सब बच्चे अपना होम रिजल्ट है माशाल्लाह। तो बच्चे भी देते हैं आप? देते हैं, सही है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ये वाले वीडियो में कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, अभी ब्रीडिंग सेटअप का पहले वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह और फिर वीडियो को आगे ले जाएंगे। ये देखिए आप, सोजत के बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड बकरे हैं माशाल्लाह। ये गोल गप्पा, गुलाब जामुन, क्या बात है। पूरा लॉट है माशाल्लाह। एक आराम से 35-40 बकरे होंगे ना इसमें। सो ये पूरा रेडी लॉट है एक बकरे का, है ना? कितने बकरे टोटल इसमें? 30 बकरे हैं जी। और ये सब खस्सी बकरे हैं? 2-4 अंडुल रहेंगे। सही है। और एवरेज पट्टी क्या वजन में? एवरेज 55 के ऊपर ही रहेंगे, 50-55, 60।
तो आपको सिंगल सिंगल बेचना है या पूरा लॉट ही बेचना है एक साथ? जैसे कोई लेगा वो हिसाब से। सही है, कुछ रेट सेट किया आपने? नहीं, रेट 450 तक। अच्छा, अगर कोई सिंगल सिंगल लेगा तो? ये क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही पहले है जी, बचपन से बड़े हुए ये बच्चे है जी, और पूरा वैक्सीनेटेड है, टोटल वैक्सीन 80 TT जी, FMD। ये आपके हाथ में फुल गुलाबी बच्चा है, माशा पतिरा है। ये भी इसी लॉट का है? नहीं, ये पतिरा अलग है, ये पतिरा है, ये अलग से। हाँ, ये बचपन से ही पाला है जी। तो एक एक करके अभी सब बकरे दिखाते हैं। सो जैसा भाई ने बताया, इसमें 30 बच्चे हैं, 50 से 60 किलो के। ये 70 प्लस। ये कंडुल बकरा अपना? कंडुल बकरा है। तो इसमें से कैसा रहेगा, मतलब अगर कोई एक दो भी लेना चाहे तो भी वही रेट रहेगा कि फिर रेट चेंज हो जाएगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। पर कोई पूरा लॉट ले ले तो सही दाम में मिल जाएगा, है ना। तो इसके अंदर सोजत के बकरे कब से है बकरे अपने पास? ये मेरे पास 6 महीने से है जी, उससे पहले एक फार्म से मैंने लिए थे बकरे जी। तो मतलब बॉम्बे में बहुत दिन से सेट है। कुछ बकरे इधर की ही है, ये मेरे घर की ब्रीड है, ऑलमोस्ट सब यहीं के जी, यहाँ के ही है, यहाँ के ही है। और ये मेरा घर का बच्चा है। अच्छा, आपके होम ब्रीड का? होम ब्रीड है, और एक होम ब्रीड है, ये बड़ा हो गया है, ये भी होम ब्रीड है, 1 साल का हो गया। घर की बकरी का बच्चा? हाँ, घर की बकरी का बच्चा। अगर कोई बाहर मंगाता हो ट्रांसपोर्ट हो सकता है सर यहाँ से? आके लेना ही पड़ेगा, यहाँ आके लेना पड़ेगा। ये गोल बकरा बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये भी यही लॉट का है ना? यही लॉट का है। अच्छा वजन गेन किया इसने, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बकरे इसके अंदर माशाल्लाह। आपको पूरा लॉट मिल जाएगा, सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, अभी एक अच्छे बकरे सब वाइट में। ये जो है ये अंडुल है, ये बहुत अच्छा, ये पतिरा अंडुल है, पतिरा थोड़ा सा मिक्स लग रहा है लेकिन पतिरा नहीं है, मिक्स है क्योंकि ये मिक्स है, मिक्स दाग है, दाग है, सोजत पतिरा है, सोजत पतिरा ही है जी। अंडुली छोड़े उसको अभी ना। हाँ। ये बाजू में जो बकरा है दिखाओ ना, बहुत बड़ा बकरा है, वो खा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, एकदम चंचल बकरा, रुकता ही नहीं जगह पे। वो कितनी बड़ी लेंथ है उसकी, चेहरा देखो, पैर देखो, मेन बात है पैर, एकदम मजबूत पैर का है। ये कंडुल बकरा देखो पतिरा में, सही, ये भी एक अच्छा बड़ा बकरा है। लो इसको भाई, इसको लो, बाल वाला बकरा है। वैक्सीनेशन सब कंप्लीट है? वैक्सीनेशन है, एक भी वैक्सीनेशन बाकी नहीं रखा है। सही, डीवॉर्मिंग से लेके पूरा वैक्सीनेशन सब है जी। और अगर आपके फार्म पे आना है तो आपसे मिलने का टाइमिंग क्या रहता है सर? मैं सुबह में रहता हूँ जी, 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक आप मिल जाएंगे, उसके बाद मैं जॉब वगैरह पे रहता हूँ। चलिए और एक दो बकरे देखते हैं इसमें। ये वाला देखो बहुत अच्छे कलर का है, इसकी आइस भी अलग है, रेड आइस का है, रेड आइस का बकरा है। ये भी लॉट में आया था? हाँ, ये लॉट में, माशाल्लाह। तो जो भी बकरा पसंद आता है दोस्तों, आके आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, डिलीवरी पॉसिबल नहीं है जैसा बताया सर ने। अंडुल बकरे भी मिल जाएंगे ना, नक पे? हाँ, देंगे कि ये भी वजन पे दे देंगे? वजन के, पूरा वजन पे, पूरा वजन पे देंगे। सही, और जो बकरियों के बच्चे वो भी दे देते हैं आप? हाँ, 3 महीने, 3 महीने के बाद दे देते। सही, तो अभी बकरों को अंदर करके हम लोग बकरियाँ निकाल लेते हैं, और जो जो बच्चे देने हैं वो दिखा देते हैं अभी लोगों को।